हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी रागी यानी कि फिंगर मिलेट के लड्डू बनाएंगे। ये खाने में सभी को बहुत पसंद आते हैं और इन्हें बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। बेसिकली आज मैं इन लड्डुओं को आप लोगों को बिना चीनी के बनाना बताऊंगी, जो कि आपकी इम्यूनिटी को तो बूस्ट करेंगे ही, साथ ही आपकी कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी एकदम जड़ से ख़त्म कर देंगे। तो आइए इन सुपर हेल्दी एंड टेस्टी रागी लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। रागी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में ये 2 कप रागी का आटा लेंगे। ये आटा आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पर या फिर ऑनलाइन बहुत ही इजीली मिल जाएगा और इसे परचेज करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट, अब हम इसमें 3/4 कप देसी घी डालेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम रखेंगे और आटे को घी में अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ आटा भूनते टाइम हमेशा ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम ही रखें, क्योंकि अगर आप इसे हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो आपके आटे का कलर तो चेंज हो जाएगा पर आटा अंदर से कच्चा रह जाएगा और आपके लड्डू बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आटे को एकदम लो मीडियम फ्लेम पर ही भूनें। तो यहाँ आप देखिए, मैंने आटे को अच्छे से भून लिया है, आटे का कलर भी चेंज हो गया है और साथ ही आटे में से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम इस आटे को एक बर्तन में अलग निकाल लेंगे। तो यह मैंने आटे को बर्तन में अलग निकाल लिया है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हम इसी कढ़ाई में ये 1 बड़ा चम्मच देसी घी लेंगे और इसमें 1/4 कप कटे हुए बादाम डालेंगे और इन्हें घी में हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो यह मैंने बादाम को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लिया है, तो अब हम इन्हें भी 1 बर्तन में अलग निकाल लेंगे। तो ये मैंने बादाम को अच्छे से भून लिया है, तो अब हम इसी घी में ये 1/4 कप कटे हुए काजू डालेंगे और इन्हें भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये लड्डू बनाने के लिए मैंने काजू और बादाम का यूज़ करा है। आप चाहें तो अपने मनपसंद के कोई और ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे काजू भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इन्हें भी अलग निकाल लेंगे। तो ये मैंने काजू को भी अलग निकाल लिया है। नेक्स्ट, अब हम इस बचे हुए घी में ये 1/4 कप ग्रेटेड नारियल यानी कि कोकोनट ऐड करेंगे और इसे भी घी में कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। तो ये मैंने नारियल को भी हल्का सा भून लिया है, तो बस अब हम इसे भी अलग निकाल लेंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट, अब हम एक पैन में ये क्रश करा हुआ 1 कप गुड़ लेंगे और इसमें ये 1/4 कप पानी डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे और इसे लगातार जब तक चलाते रहेंगे जब तक कि गुड़ पानी में अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। तो ये हमारा गुड़ पानी में अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो अब हम इसे थोड़ी देर और जब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें 1 तार की चाशनी नहीं बन जाती। तो ये मैंने गुड़ को 2 से 3 मिनट और अच्छे से पका लिया है और आप देखिए इस तरह 1 तार की चाशनी बन रही है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे तुरंत ही छानकर रागी के आटे में डालेंगे। तो क्योंकि गुड़ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो इसे मैं छान रही हूँ, पर अगर आपको लगता है कि आपका गुड़ एकदम साफ है तो आप इसे बिना छाने भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, पर क्योंकि हमारा गुड़ काफ़ी गर्म है तो इसलिए हमारा डो भी काफ़ी गर्म है, तो इसलिए हम इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे और उसके बाद हम इसे लड्डू बांधेंगे। तो ये हमारा डो भी हल्का सा ठंडा हो गया है और जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं इसे आसानी से छू पा रही हूँ, तो चलिए अब हम इसे लड्डू बांध लेते हैं। तो अब हम इसमें से ये थोड़ा सा डो लेंगे और इसके इस तरह लड्डू बांधेंगे। तो ये लड्डुओं का साइज़ आप अपने हिसाब से थोड़ा सा छोटा बड़ा बांध सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए, मैंने इस तरह एक लड्डू बांध लिया है, तो अब हम इसी सेम प्रोसेस से सारे लड्डू बांधकर तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने सारे लड्डू बांधकर तैयार कर लिए हैं और जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि ये दिखने में कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, तो आप भी इन लड्डुओं को जरूर बनाइएगा। आई एम श्योर ये आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। तो आप भी एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।